Welcome to Indian Mathematics classes. So let discuss tricks. So अभी हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स कर चुके हैं और इसी सीरीज में और भी ट्रिक्स करते हैं जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं. सो ये जो है, देखिए क्या हुआ है, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक. तो इसी क्वेश्चन को देख के हमारे एग्जाम में चक्कर ही आ जाएंगे अगर ट्रिक नहीं पता होगा तो. और टाइम भी बहुत कॉन्सेप्ट से करेंगे तो लगेगा. देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक मैं बताती हूँ इस तरह के क्वेश्चन को लिए. आप इसे फैक्टर कर दीजिए, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर में फैक्टर कर दीजिए जो भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ प्लस या माइनस होनी चाहिए. मैंने इसे फैक्टर कर दिया, 4 और 3 का फैक्टर 12 होता है. ठीक है, 12 का फैक्टर 4 और 3 होते हैं, हो गया. यहाँ क्या साइन है इसे हम लोग ध्यान देंगे. तो यहाँ जो साइन है क्या है, प्लस है. तो प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर हो गया हमारा. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4. लेकिन 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 देखिए, अगर सेम क्वेश्चन रहा और बीच में क्या आ गया हमारा, माइनस आ गया. क्या आ गया, माइनस आ गया. तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सेम इसे फैक्टर करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर में 4 और 3. ठीक है, फैक्टर हो गया. अब यहाँ माइनस था, माइनस मतलब क्या होता है, छोटा. तो बस ये जो छोटा वाला होगा इसका आंसर हो गया. है ना मज़ेदार, है ना ट्रिक.